इनका नाम कुलविंदर सिंह है और ये इनकी पत्नी, इनका नाम सरबजीत कौर है। और इनके साथ मेरी रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है कि इनके साथ आपके साथ भी है, जो इनके साथ है आपसे आपसे उससे भी बड़ी है, समझते हो। पर संसार के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि मेरी इनके इनसे क्या रिश्तेदारी है। ये मेरे सिस्टर इन लॉ है। क्या? ये मेरे सिस्टर इन लॉ है। जब मैं प्रभु में आया था तो मैं सिर्फ चार महीने का मसीह था जब मेरी शादी हुई। तो कुछ महीने बाद इनकी देवर की शादी थी। क्या थी? इनकी देवर की शादी थी, जिसमें मैं गया और ये प्रॉब्लम में थे, तकलीफ में थे। जब मैंने पूछा जाकर कि वो कहाँ पे, वो कहते ऊपर हैं, ठीक नहीं है। मैं जब गया तो ये दर्द से तड़फ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, ये कुछ भी ऐसे बोल नहीं पा रहे थे। बाद में इन्होंने बताया कि मेरे ऐसे पेट में पत्थरियां ऐसे कुछ। तो तब तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं इन्हें बोला। पर जब मैं घर आया वापस तो मैंने अपनी पत्नी से बात की कि इनसे मेरी बात कराओ। और जब मैंने इन्हें पहली बार ये शुभ समाचार दिया, यीशु के बारे बताया कि यीशु कौन है, तब मैं देखो 4 महीने का मसीह था सिर्फ। कितने का? 4 महीने। तो मैंने जब शुभ समाचार इन्हें दिया और यीशु के बारे बताया, तो जैसे ही इन्हें मैंने यीशु के बारे बताया और क्यों ये प्रॉब्लम है, ये इन्होंने सुनते ही मन से ऐसे विश्वास किया कि ठीक है, ऐसे मैं मानती हूं अगर ये सच्चाई है। आज मैंने बताया और दूसरे दिन ही ना, दूसरा था कि तीसरा दिन था जब आपकी पत्थरियां निकल गई? हैं सर, दूसरा दिन था। जैसे आज मैंने बताया तो दूसरे दिन जब ये वॉशरूम गए, कितनी पत्थरियां थी याद ये नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। काफी समय हो गया है। हाँ जी, नहीं सर, वो ना अल्ट्रासाउंड करवाई थी, जिस तरह रेत दे दाने सी ना, उस तरह सी दोनों साइड से, इस तरह छोटी छोटी ऐसी पत्थरियां थी। और जो मैं वॉशरूम जाती सी तो पत्थरियां, मतलब अल्ट्रासाउंड करवाई थी, डॉक्टर कहते कि कुछ नहीं है लेकिन हिल गया हुण, है ना, उच्चे नीवे पैर रखने के कारण। वो जो वॉशरूम जाती सी दर्द शुरू हो जाती सी और घरे ही इंजैक्शन लियांदे सी। और मेरे भूआ सस जो एक स्टाफ नर्स है और शादी का माहौल सी, वह भी इत्थे आए सी और वॉशरूम जाना पैंदा सी मैनू जल्दी जल्दी। और उस समय दर्द उत्थे ही मैं मतलब बैठ जांदी और हर 5-10 मिनट बाद कि मैनू इंजैक्शन लगांदे ही दर्द दा। हां देखो कितनी फिर मैनू थोड़ी शांति मिलदी ही, कितनी तकलीफ में थे। पर जब मैंने इन्हें जैसे आज बताया तो जितनी छोटी छोटी पत्थरियां थी अगले दिन सबकी सब बाहर आ गई। क्या आ गई? सबकी सब क्या आ गई? बाहर आ गई। फिर इन्हें इनके साथ इन्हें एक जूरी कैस्ट था, इन्हें थायराइड था, ये कुछ और भी बीमारियां थी। और इन सब चीजों से परमेश्वर ने फ्री कर दिया। क्या कर दिया? फिर इनके बच्चे भी, इनके दो बच्चे, इनकी बेटी एक बेटा, तो उन्होंने भी इस सच्चाई को समझ लिया। और ये इन तीनों ने यीशु को अपना उद्धार करता मन से क्या मान लिया? प्रभु मान लिया। क्या मान लिया? मन से प्रभु मान लिया। अब ये भाई साहब, ये तब आज रिटायर हो चुके हैं, तब ये आर्मी में जॉब करते थे। क्या करते थे? ये आर्मी में जॉब करते थे। जब इन्हें पता चला कि यीशु मसीह ने मेरी पत्नी को चंगा किया, ये संसार की धार्मिकता करते थे। क्या करते थे? इनके फादर साहब भी जो जैसे ये सिख फैमिली से, तो उसके हिसाब से इनके जो फादर साहब या जो आगे आगे वो ऐसे करते थे। तो इन्हें जब पता चला कि यीशु मसीह ने मेरी पत्नी को चंगा कर दिया है, तो ये कहते थे कि ये आने के लिए भी ऐसे कहते थे कि जब मैं, क्योंकि ये कहते थे कि जब मैं जैसे क्या वो रिटायर है ना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तब मैं आपको संगति में लेकर जाया करूंगा, क्या जाऊंगा। और जब भी छुट्टी आते थे तो जो इनकी धार्मिकता थी वही करते थे। क्या करते थे? वही करते थे। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, फिर भी ये वही चीज करते थे, समझते हो। और मैंने इनकी पत्नी को कहा कि नहीं, आप जाओ, जो करते हैं करने दो,
ठीक है। फिर मैंने इन्हें ये चीज बताई, मेन चीज कि देखो आपका जीवन बच गया, आप आपको उद्धार मिल गया, आपको स्वर्ग का जीवन मिल गया, आपको सच्चा परमेश्वर मिल गया, पर आपके पति, आपके पति के पास वो जीवन नहीं है, उनके पास वो स्वर्ग नहीं है, वो जीवन नहीं है। मैंने इनसे कहा कि एक मैंने उदाहरण दी कि जैसे आप आज आपका पति अगर उसे उन्हें कोई जैसे बीमारी लग जाए, कोई चोट लग जाए तो आपको दुख होगा? तो कहते हाँ होगा। क्या होगा? मैंने ऐसे कहा कि जैसे आपके ये पति हैं, अगर इन्हें चोट लग जाए या कोई ऐसे इन्हें बीमारी लग जाए, कुछ ऐसी जैसे कुछ ऐसे अंग पैर टूट जाए, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ क्यों नहीं लगेगा। मैंने बोला कि सबसे सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि जो अगर उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, क्या नहीं माना, अगर उन्होंने अपना यीशु को अपना उद्धारकर्ता मतलब नहीं माना, तो इन्होंने कहा कि फिर वो कैसे विश्वास करेंगे, वो तो करते नहीं है। मैंने फिर इनसे बताया, मैंने इन्हें जानकारी दी कि आप रोज रोज धन्यवाद करो और चाहत करो कि परमेश्वर जैसे मेरा जीवन बच गया, इनका जीवन भी बच चुका है। और ये फिर उस दिन से लेकर रोज रोज ये चाहत करने लगे, अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप जैसे मेरे जीवन को अच्छा किया, जैसे अपने मेरे जीवन को बचा चुके हो, मेरे बच्चों का मैं विश्वास करती हूँ मेरे पति का जीवन भी बचा चुके हो, क्या चुके हो। और आज ये भाई साहब पूर्ण रूप से सिर से लेके पांव तक उसकी परिपूर्णता में परिपूर्ण हो चुके हैं इनके विश्वास से। आमीन। आज इनके पास उद्धार या स्वर्ग या इनके पास, पर कितनी बहनों के पति हैं उन्होंने कभी अपनी पति के लिए ऐसे चाहत नहीं की होगी कि उनका जीवन भी बचे, क्या बच जाए, उनका जीवन भी बचे। कितनी माएं हैं जिनके बच्चे विश्वास नहीं करते, वो कभी नहीं चाहते, वो कभी रोज रोज प्रार्थना ही करते कि मेरे बच्चे किसकी हजूरी में बैठे हैं, क्योंकि पता नहीं नॉर्मली, क्योंकि वो अपने तक सीमित हैं, वो नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, क्योंकि उन्हें इस जीवन की अहमियत क्या है, उद्धार का मूल्य क्या है उन्हें पता नहीं। बोलो क्या है? उद्धार का मूल्य क्या है उन्हें पता नहीं। क्या है उद्धार का जो मूल्य, लोगों को पता नहीं। अगर पता हो तो वो रोए ना परमेश्वर के आगे ऐसे कि खुदामंद, बोलो ऐसे अपने हाथों को फैलाएं के परमेश्वर मैं शांत करती हूं कि मेरा जीवन बच गया, वैसे शोक करें उस बात के लिए कि परमेश्वर मैं शांत करती हूं रोज रोज रोज, क्योंकि पता नहीं है ना इस जीवन की अहमियत का, उन्हें पता नहीं कि उद्धार, उद्धार क्या चीज है। बोलो क्या है? उद्धार के बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, समझते हो, जैसे इनका जीवन बच गया। बोलो, जैसे इनके जीवन बच गया और ये पूरी तरह प्रभु में, ये बात नहीं कि सिर्फ, बोलो, और इनका कारण भी आने का बहुत बड़ा है, क्योंकि जब जी आर्मी में जॉब करते तो इनकी, अब बताऊं आपको क्या हो गया था तब, बताऊं कुलविंदर सिंह जी? सारण जम सिंह जी, मैं आर्मी जॉब करता ही और बीकानेर मेरी पोस्टिंग सी, और उस समय मेरे ना पिट के पिछे रीढ़ हड्डी विच मणके लगे दो L4 L5 वाला गैप आ गया, जिस कारण डिस्क की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और वो कारण मेरी ना राइट साइड लत के दर्द होंगी ही बहुत ज़्यादा, इन्नी ज्यादा दर्द होंगी कि मैं कदी कदी कहता था कि परमात्मा चुक लै, पर परमात्मा जानते नहीं, क्योंकि परमात्मा चुकन वाला नहीं तो जीवन देने वाला, और बहुत दर्द होंगी। मैं बहुत सारे एडमिट रहा बीकानेर हॉस्पिटल एक महीना, उस फिर मैं छुट्टी आ गया, और फिर इतने मैं न्यूरो स्पैशलिस्ट को दिखाया, तो 7 दिन उन्होंने दवाई दी बड़ी हार्ड दवाई, तो 7 दिन मैं आराम रहा, लेकिन 8वें दिन तो बाद फिर तो दर्द उन्नी ज़्यादा ज़्यादा तेज़ होगी। उदों बाद फिर मैं फांडे भी कराता रहा, क्योंकि जानकारी नहीं थी प्रभु के बारे कि इन जगत नहीं जाना, झाड़ फूक भी कराता रहा। उस बाद देसी हकीमां कोल भी गया, फिर होम्योपैथी की दवाई भी खाधी, और फिर वापस मैं चले गया छुट्टी खत्म करके, और जाके दूसरे दिन फिर तो एडमिट हो गया बीकानेर।
और उन्होंने फिर मैं दिल्ली भेजता आर आर हॉस्पिटल के, मतलब आर्मी का व्डा अस्पताल है, सब तो व्डा आर आर हॉस्पिटल। उस डॉक्टर साहब ही मैं कहता कि तेरा ऑपरेशन करना पैना है, पर उदो मैं थोड़ा थोड़ा प्रभु को जानता ही, बहुत ज़्यादा नहीं जानता, इन्ना ही पता है भी मतलब प्रभु काम कर देंगे, पर जानकारी नहीं सी कुछ भी, सच सच नहीं पता कि सच की है। और मेरे मन में आया, मैं डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, तुम मैं दवाई दे दो। कहता यदि दवाई कोई है ही नहीं है। मैं क्या कोई इंजैक्शन ला दो, कहता कोई इंजैक्शन नहीं है, ऑपरेशन ही इलाज है। और फिर मैं वो कहता, मैं क्या सर मैं ऑपरेशन नहीं करवाना क्योंकि मेरे सहन होने ही फिर ऑपरेशन करना है। वह मैंने कहता भी मैं तेन 6 महीने बाद से अनफिट कर देना आ, तो तू बाद तू मेरे को आना तो तेरा ऑपरेशन मैं करना ही करना है। हाँ ओके, सुनो रुको मत रुको रुको। अभी डॉक्टरों ने जो आर्मी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप कहीं भी चल जाओ ऑपरेशन होना ही होना है। बोलो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप आने से इनकी किस साइड की नस दब चुकी थी? लेफ्ट साइड, राइट साइड। राइट साइड की जो नस है वो दब चुकी थी, जिसके कारण इतनी दर्द थी। ये जब दर्द होती तो मुंह में कपड़ा लेते थे, इतनी ज्यादा तकलीफ थी। बोलो, और उसके लिए इन्होंने कहा कि मैं बाबों सियानों के पास भी सब कुछ कराया। क्या कराया? क्योंकि इन्हें जैसे इनकी पत्नी ने तो विश्वास कर लिया, क्योंकि इनका यही कारण था। ये लास्ट पे जब सब कुछ ये कर चुके तब इन्होंने अपना पूरी तरह मन यीशु की ओर फिर आया। और तब मैंने जब बताया कि हाँ परमेश्वर सामर्थ्य है और वो सब कुछ कर सकता है, तब जब मैंने इन्हें ऐसे समझाया और बताया, फिर जब इन्होंने उस बात को अच्छे से समझ कर जब विश्वास किया, तो आज कोई ऑपरेट नहीं है। ये पूरी तरह उस बीमारी से, उस रोग से जो रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप आ गया, ये टोटली फ्री है, टोटली पूरी तरह से ये फ्री है, पूरी तरह से। आज कोई हालात नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है। बोलो क्या है? तो देखो हालात हमें परमेश्वर के पास, अगर मान लो किसी के जीवन में, जैसे अन्य जाति हैं जो, अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई आता है उसके पास? कौन आता है? कोई आएगा? पर हालात हमें किसे मिला देते हैं? वो सच्चे खुदा से मिला देते हैं, जिसको दुनिया नहीं जानती। जैसे एक दिन मैं नहीं जानता था, ये भी नहीं जानते थे, क्योंकि इसीलिए जब इनकी पत्नी को परमेश्वर ने अच्छा किया तो ये सोचते कि नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है। बोलो, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है, हम क्यों इस तरफ जाएं? बोलो, पर उस हालात ने इन्हें सच्चा खुदा मिला दिया। और आज ये भी परमेश्वर की शुभ समाचार की सेवकाई का काम करते हैं, बहुत से लोगों को बताते हैं। हमारी इसी मिनिस्ट्री के जे एक मेंबर हैं, बोलो क्या हैं? ये मेंबर हैं जो शुभ समाचार की सेवकाई में ये साथ देते हैं। क्या देते हैं? और एक दिन ये भाई साहब यीशु के ऊपर जरा भी साबित विश्वास नहीं करते थे, पर इनकी पत्नी को जो मैंने बताया आज आपके सामने है, आज पूरी तरह से परिपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। बोलो क्या है? जरा सा भी आज ऐसे नहीं है कि कोई दुविधा या किसी बात की, कुछ संदेह या किसी बात के लिए, ये पूरी तरह से आज प्रभु के, आज इनके पास वो जीवन है जो लोगों के पास नहीं है। बोलो, वो उद्धार का जीवन है। बोलो क्या है? और ये अपनी उस चीज को लेकर रोज रोज किसकी सेवा में बढ़ रहे हैं, किसकी सेवा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें ये सच पता चल गया कि यीशु में ही उद्धार है, यीशु में ही जीवन है, यीशु में ही स्वर्ग है। और वो एक दिन आएगा हमें लेने। क्या आएगा? एक दिन वो हमें लेने आएगा। क्या आएगा? एक दिन लेने आएगा। और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत से लोगों को इसका पता नहीं, समझते हो? सो इसलिए
मेरे लिए इनके जीवन की गवाही बहुत बड़ी है। क्या है? क्योंकि मेरे लिए, मैं क्यों कह रहा हूं इनके जीवन की गवाही बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी का जीवन बचना छोटी बात नहीं। बोलो क्या है? पर ये छोटे मन से नहीं, बड़े मन से होगा। क्या होगा? अब दिन में कितनी बार, जैसे दानियल कितनी बार प्रेयर करता था, अब कितनी बार चाहत करते हो, कितनी बार विश्वास करते हो इस बात के लिए कि हम, मेरा पति, मेरे बच्चे बैठे हुए जैसे इनके, तो आपके विश्वास से होगा, आपकी चाहत से होगा, जैसे इनके लिए हो गया। आमेन। और जितने बाकी लोग भी ऐसे चाहेंगे, उनके लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। बोलो क्या है? इसलिए ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी गवाही है, इसलिए जोर से खुदा की तारीफ करेंगे, दिल से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से।